देखिए समर्थन मूल्य की बात क्या करो आप, ये तो कुछ भी नहीं है। हमें चाहिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो बात पहले हुई थी। ये तो यूं है, गुजारे लायक है और कुछ नहीं है। और ये भी हरियाणा पंजाब के अंदर कहां है ये रेट? यूपी के अंदर हजार हजार रुपए क्विंटल की वो मिलते हैं, इतना मर्जी ले लो। कोई मैसेज आया हुआ था? नहीं, मैसेज नहीं आया था। हाँ। बल्कि मैसेज वाला सिस्टम तो सर वो सही नहीं है। मैसेज अगर मैसेज की जिम्मी मतलब किसान वेट करेगा तो मतलब मैसेज से काम चलेगा नहीं। क्या परेशानी आती है मैसेज? मैसेज से सर एक तो रश बहुत ज्यादा लग जाता है। एक मान लो किसी का भी फसल जो है वो पका नहीं है खेत में, तो उसको मैसेज पहले आ गया। जैसे किसी का पका हुआ है उसको मैसेज आया नहीं है, वो मैसेज के चक्कर में वो गड़बड़ा जाता है सिस्टम, मतलब वो चलता नहीं है। एक समस्या जो हर बार आती है वो मैसेज को लेकर आती है, किसानों के पास मैसेज आया है या नहीं आया है, तो उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आप देना चाहेंगे? इस पर क्लियर है, शेड्यूलिंग एक तो किसान खुद करेगा और दूसरा सभी से अनुरोध भी रहेगा कि अपनी जब भी वो गेहूँ लेकर के आएँ तो उसको साफ करके ही लाएं, और प्लस वो सूखी हुई हो, साफ सुथरी हो, तो उससे किसान का भी कम समय लगेगा, आड़ती का भी आगे कम समय, और इसी प्रकार खरीद एजेंसी का भी। तो जल्द से जल्द वो आएंगे और यहाँ पे जल्द अपनी जो आवक को बेच सकते। शुरू हो गई है और आज 1 अप्रैल का दिन है, पहला दिन है जब मंडी के अंदर गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी और हैफेड और फूड सप्लाई की जो सरकारी एजेंसियां हैं वो इस खरीद को करेंगी। इस समय हम खड़े हैं धर्मकांटा पर, अनाज मंडी का ये गेट नंबर 1 है। इसी दफ्तर से किसानों का गेट पास कटता है और किसान आगे जाते हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल सड़क खाली है, लेकिन इस सड़क पर आने वाले 1 हफ्ते के आसपास भीड़ आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद मंडियों में गेहूं आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी 1 हफ्ता लग सकता है क्योंकि पकने में थोड़ा सा समय है, लेकिन एक किसान पहुंचे हैं अपनी गेहूं लेकर, उनसे बात कर लेते हैं। गेहूं के पास आ जाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। कौन सी वैरायटी है किसान जी ये वाली, और क्या पहले पक जाती है ये? हाँ जी, ये सर 3086 है और 5-6 दिन का फ़र्क रहता है इसका, तो इसलिए ये थोड़ा टाइम से पक गया है। तो ये मैंने परसों ही मतलब कटाई करवाई थी इसकी हार्वेस्टर से, तो आज मैं अभी लेकर पहुंचा ही हूँ इसको मंडी में। मंडी के बाकी खेतों का क्या हाल है? आपके और भी बीज आपने उगाए हुए होंगे गेहूं के और खेत के अंदर, उसमें कितना वक्त लगेगा? काफ़ी वैरायटियां हैं, मतलब अभी तो बीज तो बहुत सारे आ चुके हैं। अभी 2-3 सालों से तो किसानों को कई बीजों का तो पता भी नहीं है ना, नाम भी नहीं पता, ऐसी इतनी वैरायटी आ चुकी हैं गेहूँ की। तो ये सर अभी बस 7-10 तारीख तक स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम 5-6 दिन ही और लगेंगे, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसी व्यवस्था है, गेट पास वगैरह मिल गया है? हाँ जी सर, गेट पास मिल गया मुझे। तो आपको मैसेज आया हुआ था? नहीं, मैसेज नहीं आया था। हाँ। बल्कि मैसेज वाला सिस्टम तो सर वो सही नहीं है। मैसेज अगर मैसेज की जिम्मी मतलब किसान वेट करेगा तो मतलब मैसेज से काम चलेगा नहीं। क्या परेशानी आती है मैसेज? मैसेज से सर एक तो रश बहुत ज्यादा लग जाता है। एक मान लो किसी का भी फसल जो है वो पका नहीं है खेत में, तो उसको मैसेज पहले आ गया। जैसे किसी का पका हुआ है उसको मैसेज आया नहीं है, वो मैसेज के चक्कर में वो गड़बड़ा जाता है सिस्टम, मतलब वो चलता नहीं है। जो पिछली बार भी जैसे स्टार्टिंग में किसान यूनियन के हमारे सभी इकट्ठे हुए थे, तो यही मीटिंग हुई थी यहाँ पे कि मतलब मैसेज जो है वो मतलब मैसेज वाला सिस्टम ना ही चले। लेकिन सुखा कर तो लाएं किसान, ये तो हो। बिल्कुल सर, सुखा के लाएं, अच्छी तरह पका के लेके आएं, ये नहीं है कि गिल्ला कटवा के ले आएं। आपके सामने ही है, इसमें देख लो, बिल्कुल सूखा है। तो 2015 समर्थन मूल्य है इसका? हाँ जी, अभी तक तो यही पता चला है कि 2015 है अपना गवर्नमेंट का जो रेट है। हाँ जी, तो हैफेड और फूड सप्लाई खरीद कर रही है। हाँ जी, इस बार कुछ प्राइवेट एजेंसियां भी आ रही हैं खरीद के तौर पर। एक किसान होने के नाते आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सर वो सुनने में आ रहा है, अगर किसान को उससे लाभ मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मतलब अगर अब 2015 प्राइस है तो उससे ऊपर मिलेगा तो अच्छी बात है, मतलब प्राइवेट खरीद हो जाए, हमें तो कोई वो नहीं है उससे। ये एक किसान है, दरड़ के रहने वाले हैं, आज अपनी फसल लेकर आए हैं। ये बीज दूसरा है इसलिए ये जल्दी पक गया है। हमारे साथ जो नई अनाज मंडी के धर्मकांटा के गेट पे कर्मचारी हैं वो भी हैं। गेट पास मिल गया है? हाँ, दे दीजिए गेट पास इनको। हाँ, मिल गया इनको। तो मैसेज वगैरह का इस बार कोई पंगा नहीं है?
अभी तो सर सेक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में तो जी। अच्छा आज ही खुल रहा है जी सर, आज से स्टार्ट आज पहला दिन है। हाँ तो पहली ये ट्रॉली आई है। हाँ पहली है जी, फर्स्ट है जी आपकी पहली ट्रॉली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो गेट पास मिल गया है। हाँ गेट पास दे दीजिए इनको। तो सिस्टम वगैरह दो तीन बनाए हुए हैं अलग अलग जहाँ गेट पास कटेंगे। हाँ अलग अलग सेक्टर साहब ने अलग अलग बना रखा है अलग अलग। तो व्यवस्था की गई है मंडी की तरफ से। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब भीड़ आती है एकदम किसान ट्रैक्टर ट्रोलियां लेकर आते हैं, क्योंकि 10 तारीख के आसपास जो है गेहूं कटनी शुरू हो जाएगी और उसी के बाद भीड़ यहां पर लगनी शुरू हो जाएगी, ट्रैक्टर ट्रोलियां आनी शुरू हो जाएंगी, किसान आएंगे अपनी गेहूं की फसल लेकर। एक बार बता देते हैं पूरा विस्तार से क्या कुछ रहने वाला है इस बार गेहूं की खरीद के समय। अनाज मंडी में दो जो एजेंसियां हैं सरकारी एजेंसियां हैफेड और फूड सप्लाई की तरफ से गेहूं की खरीद की जाएगी। तकरीबन 10 तारीख के आसपास किसान यहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। एक हफ्ता तकरीबन और लगने वाला है अभी यहां पर जब लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी। अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। मैसेज के बारे में कोई स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं है कि मैसेज आएगा तभी आना है या फिर बिना मैसेज के भी आ सकते हैं। इस बारे में भी प्रशासनिक अधिकारियों से पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। 2015 रुपये समर्थन मूल्य है, बारदाना भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन किसानों से एक अपील ये जरूर की जा रही है कि गेहूं को सूखा कर लाएं। अगर गेहूं गीला होगा, उसमें नमी होगी, उसमें मॉइस्चर होगा, तो फिर जो गेहूं का समर्थन मूल्य मिलना है उसमें कटाई हो सकती है, वो पैसे थोड़े से कम हो सकते हैं और ऐसे में फिर किसान को परेशानी जरूर होती है, उसको खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता है, उसकी कमाई जरूर कम हो जाती है। जानकारी ये भी मिल रही है इस बार अनाज मंडियों में प्राइवेट जो खरीद एजेंसियां हैं वो भी आएंगी और जो समर्थन मूल्य है क्या पता उससे ज़्यादा गेहूं की खरीद का जो समर्थन मूल्य है MSP है वो मिल जाए। अगर वो मिलता है तो फिर शायद किसानों को थोड़ा फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गेहूं की खरीद आज से शुरू हो गई है, किस तरीके की व्यवस्था वगैरह मंडी के अंदर? देखिए सरकार ने अगर जो ये कदम बढ़ाया है कि 1 अप्रैल से खरीद चालू की है, अगर खरीद ले फिर तो अच्छा है, नहीं अगर ये खाली सिर्फ आश्वासन ही रहा, बात ही बात रही, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। हालांकि इस बार टाइम से पहले गर्मी ज़्यादा आई और ज़्यादा गर्म मौसम होने की वजह से फसल पहले पक गई। हमने बल्कि आज 1 अप्रैल है, 4-5 रोज पहले भी ट्राली आती देखी गेहूं कणक की। इतना मौसम गर्म हुआ कि पहली बार मेरे हिसाब से कई सालों के अंदर जो मार्च के अंदर फसल पकी हुई है और आज भी ट्राली आने लग रही है अनाज की। 2015 समर्थन मूल्य रखा गया कैसा है? देखिए समर्थन मूल्य की बात क्या करो आप, ये तो कुछ भी नहीं है। हमें चाहिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो बात पहले हुई थी। ये तो यूं है गुजारे लायक है और कुछ नहीं है। और ये भी हरियाणा पंजाब के अंदर कहाँ है ये रेट, यूपी के अंदर हजार रुपये क्विंटल गेहूं मिलते हैं, इतना मर्जी ले लो कोई। फिलहाल हरियाणा के किसान खुश है जी इस दौर। हाँ वैसे चलो ठीक है भाई, गुजारे लायक है, ठीक है। अगर सरकार खरीद ले, आज से खरीद चालू कर दे तो बहुत अच्छी बात है, सरकार का ये अच्छा कदम है, अच्छी पहल है। प्राइवेट एजेंसियां भी इस बार खरीद करेंगी मंडी के अंदर, तो वो किस तरीके? देखिए प्राइवेट खरीद दे कोई सरकारी खरीद दे, लेकिन जो हमारा रेट जो सरकारी रेट है उससे कम खरीदनी होनी चाहिए बस किसान की। से कुछ अपील करेंगे, कई बार जल्दबाजी में अपनी फसल ले आते हैं फिर गीली होती है, मॉइस्चर होता है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल इस बात के बारे में जरूर कहूँगा किसान भाइयों को कि कोई भी भाई अपनी फसल कच्ची ना कटवाए, 2 दिन रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई खास बड़ी बात नहीं है, 1-2 दिन का फर्क होता, ज्यादा नहीं है ये। क्या उसमें सारा नुकसान है, किसान का भी नुकसान है, अगर लेने वाला का भी नुकसान है, फसल का भी नुकसान है। सुरेंद्र तैयारियां हैं मंडी में खरीद को लेकर? आज खरीद के विषय में SDM साहब ने मीटिंग ली, जो कुछ समस्याएं हमारी थी, जैसे सामने रोड टूटा हुआ है, कुछ सफाई की व्यवस्था थी, जैसे कुछ और समस्याएं थी, वो हमारी बातों को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया भी 1-2 दिन के अंदर सभी समस्याएं दूर होंगी और सुचारू रूप से मंडी में खरीद कार्य संपन्न होगा। तो मंडी में गेहूं आनी शुरू हो गई है? मंडी में गेहूं आनी शुरू हो गई है, आज एक डेयरी आई हुई है, बाकी सही कार्य 1-2 दिन बाद चलेगा, क्योंकि गेहूं अभी नरम है और गेहूं का कार्य 5 तारीख से चल जाएगा। वैसे जिसे में तैयारियां, बारदाने की समस्या थी, कोई बारदाना वितरण करना, सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट किसानों के लिए, ठहरने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, उठवाई की व्यवस्था, इस सारे विषय में SDM साहब से मैंने बात की है और उनकी बात से हम खुश हैं
और उससे हम सब कौन कौन खरीद कर रहा है इस बार? करनाल मंडी में दो एजेंसियाँ खरीद करती हैं, एफड और डीएफएससी, और तो तीसरी नहीं होती। और क्या समर्थन मूल्य है? समर्थन मूल्य 2015 सुनने में आ रहा है। इस पर प्राइवेट एजेंसियां भी आ रही हैं, मे बी पॉसिबल, ये अच्छी बात है, किसानों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हम तो चाहते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं से प्राइवेट कंपनियों को आह्वान करने के लिए ये टैक्स अपने मंडी से छूट दिया, मंडी टैक्स की, और हरियाणा सरकार भी करे और किसानों को ज़्यादा दाम मिले और हमारी गेहूँ फालतू रेट मिले, हमें भी फायदा। एक समस्या हर बार आती है, वो होती है मैसेज की समस्या। मैसेज आया नहीं है, किसान आ गया है, किसान नहीं आया है, मैसेज आ गया है। अब की बार अश्दीन साहब ने और शक्ति साहब ने हमें पूरा भरोसा दिया कि भी ऐसी कोई हम समस्या नहीं आने देंगे। मतलब अगर किसान की पास किसान की रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यदि रजिस्ट्रेशन है तो गेट के ऊपर उसको गेट पास दिया जाएगा। मैसेज आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, मैसेज की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आपकी तरफ से क्या तैयारी है? हमारी तरफ से मंडी में तरपाले वगैरह, करेट वगैरह, हमारी फुल तैयारी है। बट्टे और कंडे हमने सरकार से मनोनीत करा लिए हैं, सभी आड़ती भाइयों ने सब कुछ ठीक। महेंद्र सिंह उप प्रधान न्यू पंचायत मंडी का। आपका नाम? राजेंद्र सर। इस बार मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर कितनी तैयारी सरकार और प्रशासन की? आज रिव्यू किया है सभी तैयारियों का, जिसमें परचेज एजेंसी के लोग थे, आड़ती एसोसिएशन के थे, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको अलॉट किया गया वो लोग भी मौजूद थे इसमें, और ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर भी, प्लस सफाई से संबंधित भी जो थे यहाँ पे काम कर रही एजेंसी, उनके साथ आज रिव्यू किया है। तैयारियाँ सही हैं, और आपने देखा भी है कि अराइवल भी शुरू हो चुके हैं इस समय यहाँ करनाल मंडी में, तो प्रशासन की ओर से तैयारियाँ अच्छी हैं। यहाँ मार्केट कमेटी के सचिव द्वारा भी बताया गया है कि भी सुचारू रूप से सारी व्यवस्था कर ली गई है। बारदाने के बारे में भी एजेंसी वगैरह दोनों हैफेड और फूड द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि आज बारदाना अगर कहीं नहीं भी पहुँचा है तो पहुँचा दिया जाएगा, और खरीद में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी। कई बार सिस्टम ठप पड़ जाता है सर, जब बहुत सारी ट्रॉलियाँ एक साथ आ जाती हैं, तो उसको लेकर काम वगैरह सही रहेगा? इस पर चार गेटों की व्यवस्था की गई है यहाँ पे करनाल मंडी में, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे और ये दिक्कत ना आए कि कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा अराइवल हो गया है तो एक गेट की बजाय दूसरा गेट, तीसरा, चौथा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और किसानों को समस्या न आने दी जाए, ऐसे पूरा प्रयास रहेगा। खरीद एजेंसियाँ हैं सर इस पर? यहाँ पर हैफेड और फूड एंड सिविल सप्लाईज। सुनने में आया प्राइवेट एजेंसियाँ भी खरीद करेंगी इस पर? जी, मैं सरकारी खरीद की बात कर रहा था, उसके अतिरिक्त प्राइवेट खरीद भी है। प्राइवेट खरीद भी है सर। एक समस्या जो हर बार आती है वो मैसेज को लेकर आती है, किसानों के पास मैसेज आया है या नहीं आया है, तो उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आप देना चाहेंगे? इस पर क्लियर है, शेड्यूलिंग एक तो किसान खुद करेगा, और दूसरा सभी से अनुरोध भी रहेगा कि अपनी जब भी वो गेहूं लेकर के आएँ तो उसको साफ करके ही लाएं, और प्लस वो सूखी हुई हो, साफ़ सुथरी हो, तो उससे किसान का भी कम समय लगेगा, आड़ती का भी आगे कम समय, और इसी प्रकार खरीद एजेंसी का भी, तो जल्द से जल्द वो आएंगे और यहाँ पे जल्द अपनी जो आवक को बेच सकें और आगे बढ़ें। किसान जो पूछ रहे हैं तो डिस्काउंट होगा, जिस तरह 72 घंटों के अंदर पेमेंट का कहा गया सरकार की तरफ से? बिल्कुल, अभी इससे जस्ट पहले जैसे मैंने बताया, जो रिव्यू किया है एजेंसीज को बता दिया गया है कि उन्हें साथ के साथ ही उसको डेयरी को चेक करना है, और अगर वो सही है मापदंड अनुसार तो उसको परचेज करें और फिर उसको लिफ्टिंग में डालें। तो बिना मैसेज के आ सकता है सर किसान? किसान अपनी शेड्यूलिंग खुद कर सकता है, उसे कब आना है वो अपना खुद का प्लान कर सकता है। उसकी मान लीजिए आज तैयार है तो आज भी वो शेड्यूल कर सकता है, उसकी परसों तैयार होगी, उसे पता है उसने कटवा ली है तो वो परसों लेकर के आ सकता है, परसों की शेड्यूलिंग कर सकता है। इस पर ये कोई लिमिट नहीं है कि जी एक दिन में इतने ही किसान ने आना है केवल, और ना ही कोई शेड्यूल अलग से है, ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर है वो कब आना चाहते हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। आज करनाल के एसडीएम ने मंडी के तमाम आड़तियों के साथ, जो अधिकारी हैं हैफेड और फूड सप्लाई के, उन अधिकारियों के साथ, और भी जो मंडी की खरीद में कर्मचारी और अधिकारी शामिल होते हैं, एक मीटिंग की है, और मीटिंग के जरिए उन तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है जो मंडी में समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं, चाहे वो खरीद को लेकर समस्या हो, चाहे वो साफ सफाई को लेकर समस्या हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था की बात की जाए। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसानों को इस बार समस्या नहीं आने दी जाएगी। खरीद एजेंसियां हैफेड और फूड सप्लाई हैं, इसके अलावा प्राइवेट एजेंसियां भी इस बार खरीद करती हुई नजर आएंगी।
सबसे बड़ी राहत की बात यह है जो पिछले 2-3 सालों से नहीं देखने को मिल रही थी कि किसानों के पास मैसेज आ जाता था लेकिन उनकी फसल कटकर तैयार नहीं होती, पककर तैयार नहीं होती थी और कटती नहीं थी, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। लेकिन अब किसान अपनी फसल का जो शेड्यूल है वो खुद तैयार कर सकता है, उसे जब पता है कि उसकी फसल कब पककर तैयार हो जाएगी और उसी हिसाब से वो शेड्यूल तैयार कर सकता है और मंडी में अपनी फसल लेकर आ सकता है, यानी कि गेट पास उसे मंडी से मिलेगा अगर उसने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, और मंडी में फिर उसकी गेहूं की खरीद हैफेड और फूड सप्लाई की तरफ से की जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।